ज्यादा आपको बेहतर मालूम है, मेरे ख्याल से सरकारी क्वारंटाइन हो गई लगता है। जो कोविड का महामारी चल रहा, इस वजह से मैं मुल्क के सारे आवाम को और बेंगलुरु शहर गोरीपाड़ा पादरेनपुरा शामनागढ़ की आवाम से मेरी इल्तजा यही है, अपील है कि सारे गवर्नमेंट का गाइडलाइंस फॉलो करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और जो कोविड के जो भी पेशेंट हैं उनको घर में रखकर या टाइम वेस्ट करने से उनके लंग्स डैमेज हो जाती। इस वजह से मैं अपील करता हूँ कि जो भी घरों में रखकर जो पेशेंट को कोविड पेशेंट को जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए उसमें बेहतर ये ही है कि वो हॉस्पिटलिस्ट को जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसकी दवाई लिए, दवा लेकर उसको उसका कोविड का कोरोना का वायरस का सामना करे। और जो हालत अभी देख रही, अब तो रमज़ान की ईद भी आ रही, इस वजह से हमारे गोरीपाड़े पादरेनपुरा में शामनागढ़ में बहुत से स्लम हैं, गरीब लोग हैं। इस वजह से हम 11 साल से लगातार अल्लाह की मदद से और प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम लगातार रेशन का काम करते आ रहे हैं। हर साल रेशन किट का इंतज़ाम कर मैं और मेरी जानिब से और जनाब इमरान आरी पाशा की जानिब से हम करते आ रहे हैं। इस वजह से हर कोई भी जो भी मालदार हैं, जो भी मेरे पैसे वाले लोग हैं, जो ट्रस्ट के और जो भी जिम्मेदार हैं, सब लोग गरीब लोगों की मदद करें, मेरे से रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों की मदद करें आसपास में अड़ोस पड़ोस में। अभी सरकार की जानिब से क्या भी कोई क्या मदद हो रही है आपको, मेरे से ज़्यादा आपको बेहतर मालूम है। मेरे ख्याल से सरकारी क्वारंटाइन हो गई लगता, जाके तुम देखो आज आसपास के पड़ोस राज्य में जो तमिलनाडु से और आंध्रा से जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और स्टालिन, वो सीएम देखे कितना अपने उनके स्टेट में क्या क्या रकम से आदमियों की मदद कर रहे हैं। वैसे भी हमारी भी अपील है, हमारी सरकार कर्नाटका गवर्नमेंट से, वो भी गरीबों की और यहाँ की आवाम की, कर्नाटका की आवाम की जनता की मदद करे। हमारे गोरीपाड़े पादरेनपुरा और शामनागढ़ गुरदली बाबूजी नगर इलाके से मैं और जनाब इमरान आरिफ पाशा और मैं मिलकर 10,000 रेशन किट का इंतज़ाम किया गया और ये 11 साल से करते आ रहे हैं। और ये जो काम सिलसिला शुरू हुआ जनाब इमरान आरिफ पाशा की तरफ से, ये काम अल्लाह ताला शुरू करवाया, उनको देखकर मैं भी सीखा। मैं उनका देखकर जो उन राशन बांटते थे, मेरे दिल में भी आस पैदा हुई, अरमान पैदा हुई, एक मेरा बड़ा भाई अच्छा काम कर रहा, मैं उसको देखकर सीखा और इमरान का देखकर मेरे ख्याल से और एक 8-10 आदमी सीखे। कोई भी अच्छा काम देखकर सीखना बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम को आम करे, अच्छे काम को अवेयरनेस पैदा होता, हमारा देखकर दूसरे सीखते। उस वजह से जो भी अच्छा काम करते हैं, मैं जिन्हों भी दिखा कर रहे हैं या छपा कर रहे हैं माशाल्लाह, जो भी काम कर रहे हैं और वो जो अच्छा और बुरा का फैसला करने वाले मेरे अल्लाह मालिक हैं, वो अल्लाह को जमया वो क्या, और ज़िंदगी और मौत के मालिक मेरे अल्लाह हैं। वो जो कुछ भी है हमारा और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं जो भी अच्छे काम कर रहे हैं मेरे भाइयाँ बुजुर्गों और दोस्त, जो भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे अपने तेरे दोस्तों जो भी काम कर रहे हैं, मैं मेरे तरफ से उनको सब सलाम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुल्क की आवाम से, मेरे जानिब से और जनाब इमरान आरिफ पाशा की जानिब से
मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला सारी हिंदुस्तान की आवाम को खुश रखे, आबाद रखे। ये जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है सारी दुनिया में, ये वबा जो फैल चुकी है, इसको यहाँ इधर से ही अल्लाह ताला इसको रोक लगाए और सारी उम्मत के पर, सारे हिंदुस्तान के पर रहम करम के फैसले अता फरमाए। जो मस्जिदें आज बंद हैं, मंदिरें बंद हैं, इसको अल्लाह ताला खुलाने का मौका दे, हम लोग को इबादत करने का आइंदा साल भरपूर मौका दे। जो भी हमारे से सारी उम्मत से जिससे भी सारे गलती गुनाह है, अल्लाह हमारे सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। आइंदा बार अच्छे से अच्छा रमज़ान गुजारने का अल्लाह ताला हम सबको मौका दे।